नमस्कार, मैं शिवांगी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। ये बढ़ते अपने समाचारों की ओर। देश भर में कोरोना काल के दौरान डॉक्टर्स दिन रात एक कर अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। वहीं बद्दोवाल कैंप आईटीबीटी की 26वीं वाहिनी और यूनाइटेड प्रेस क्लब के सहयोग से सिविल अस्पताल लुधियाना में कोरोना योद्धाओं, डॉक्टर, नर्सेज व स्टाफ को पिछले 3 महीने से लोगों की सेवा करने और इस महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना ही लोगों की सेवा करने के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान सेना की विशेष तौर पर पहुंची बैंड टीम द्वारा देशभक्ति के संबंधित गीत बजाकर उनका सम्मान किया गया। अज का प्रोग्राम साढ़े मानयोग सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू जी के दिशा निर्देश से उन्होंने इच्छा सी जो साढ़े फ्रंटलाइन वारियर ने उन्होंने एप्रीशिएट किया जाए, उन्होंने सन्मानित किया जाए, तो उन्होंने एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिले आने वाले टाइम के लोगों की वो सेवा करन। और जोड़ा कॉन्सैप्ट प्रेस क्लब लुधियाना तो आई टी बी पी के कमांडेंट श्री सुदेश जी ने अज विलखण किस्म का एक उपराला किया, जिन्हां विच वो बैंड भी लैके आए हैं। बैंड ने बहुत ही मनोहर संगीत के थ्रू साडा मन परचावा भी किया। इस दे नाल नाल साडे फ्रंटलाइन वारियर जिन्हें भी साडे डॉक्टर साहबान ने, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, वार्ड अटेंडेंट ने, सफाई सेवक ने, मीडिया ग्रुप है, सीनियर मैडिकल ऑफिसर ने, मेरे प्रोग्राम ऑफिसर ने सारे नूं सन्मानित किया। इस दे नाल सारे स्टाफ नूं एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी ते असीं होर वध चढ़ के लोगों की सेवा कर पावांगे ते असीं ये कोरोना की महामारी नूं हरा पावांगे। आज हमारे कर्मी जो है इन लुधियाना वासियों के बीच में, डॉक्टर्स के बीच में, जो दिन रात अपने परिवारों को छोड़कर यहाँ हमारे कर्मियों समाज की सेवा करने के लिए आए हैं, उनके सम्मान में हमने सोचा इस तरह की एक पहल की जाए, एक मनोरंजन का जो है आगाज़ किया जाए। और जो है हमारे इस काम में जो है हमेशा हमारे साथ रहता है प्रेस क्लब लुधियाना, जो हमारे हमेशा किसी भी प्रोग्राम, किसी भी तरह का प्रोग्राम हम लोग आयोजित करते हैं तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के यूनाइटेड प्रेस क्लब ऑफ लुधियाना हमेशा साथ रहता है। तो यही हमारी आज इस अवसर पर यही अपील है देशवासियों से कि इस कोरोना महामारी से घबराएं नहीं, ज़रूरत है साक्षरता की, ज़रूरत है साफ सफाई की। हम जरूर इस जज्बे के साथ हमारे इन बैंड के जो जवान हैं, जो हिमवीर हैं, इन्हीं जज्बे के साथ आज यहाँ पर आए हैं कि हमने इस महामारी को अपने देश से और इस दुनिया से जो है निजात दिलानी है। धन्यवाद। जय हिंद। डेडिकेट किया गया जिहड़ा जिहड़ा सोंग हो रहे जां सब कुछ होया उन्हां नूं डेडिकेट किया जा रहा है ताकि जिहड़ी पिछले 3 महीने उन्होंने लड़ाई लड़ी है उन्हां दी इक तुसीं इस उन्हां दा हौसला वधाया सी आ जाके। इत्थे सारे हमारे साथ हैं, हम अकेले नहीं लड़ रहे, नहीं तो ऐसे अकेला बंदा लड़ते रहे और कोई नेगेटिविटीज़ आती रहे उससे बंदे का ना मोराल जो है डाउन जाता है। इस तरह ये मोराल बूस्टिंग है और ये बहुत अच्छा लगा है कि सब सम्मानित कर रहे हैं और जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी मतलब शलाघा हो रही है। सो दिस इज़ रियल गुड। लुधियाना से विकास की रिपोर्ट। फिरोजपुर में शराब के ठेके नीलाम किए गए। पिछले दिनों लॉकडाउन के चलते जहां सारे कारोबार बंद हो गए थे, वहीं पंजाब सरकार को काफी घाटा होने के चलते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार से पंजाब में जल्द शराब के ठेके खोलने की मांग की थी। मगर इस मांग के बाद कई सियासी पार्टियों ने पंजाब सरकार का काफी विरोध किया था। वहीं अब जहां लॉकडाउन के बाद अनलॉक एक शुरू हो चुका है और पंजाब सरकार अपना खजाना भरने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, जिसके चलते फिरोजपुर में जो शराब के 3 ग्रुप के ठेके थे उन्हें नीलाम किया गया। एक ग्रुप में 12 करोड़ रुपए से ऊपर की नीलामी की गई। फिरोजपुर शहर दे जोन नंबर 2 ते 3 ते फिरोजपुर कैंट दे नंबर 5 दी जिहड़ी है वह रह गई सी नीलामी होनी, तो जिहड़ी अज सफलतापूर्वक पारदर्शी ढंग नाल कीती गई है। इहदे लई जिहड़ा पंजाब सरकार नूं 12,90,81,000 का जिहड़ा मालिया है प्राप्त होने जा रहा है, तो इसलिए इस दे नाल ही जिला फिरोजपुर के जिहड़े सारे वेंड्स है उन्होंने नीलामी जिहड़ी है आबकारी विभाग के बहुत मेहनत करन दे नाल यतन दे नाल पूरी अज की कर ली गई है और सारे दे सामने पारदर्शी ढंग दे नाल जिहड़ी इह है कार्रवाई कंप्लीट की गई। जिहदे वास्ते अज SDM साहब DC साहब वालों SDM साहब की ड्यूटी लगाई गई सी और उन्होंने अपनी निगरानी हेठ बीइंग ऑबजरवर उन्होंने अज जिहड़ा साडा जिहड़ा फिरोजपुर शहर दे बाकी रह गए थे ग्रुप उन्होंने अपनी
निगरानी हेठ अज कढ़िया जिहड़ा कि माया इंटरप्राइज नाम से सानू प्राप्त होया और एक ही टेंडर सानू प्राप्त होया सीगा जिहदी जिहड़ी सानू 21 लाख रुपए का ड्राफ्ट प्राप्त होया और उहदी जी MGR सीगी वह 12,90,00,000 जिहड़ा है वह सानू अज जिहड़ी हाईएस्ट जिहड़ी बिड सीगी 21 सीगा तां उहदी सानू प्राप्त होई आ। ते साडे हुण इस वेले फिरोजपुर शहर के और सारे ज़िले के सारे ही जिहड़े वेंडर्स ने वो नीलाम हो चुके ने और सारे जिहड़े सक्सैसफुल जिहड़े उहदे लाइसेंसी ने वो हुण ठेके खोल देंगे। बाकी तो पहले खोल के जिहड़े फिरोजपुर वाले हैगे वो अज अपने कुछ फॉरमैलिटीज़ कंप्लीट करके कल नूं सारे ठेके खोल देंगे। फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। मास्क न डालने की सूरत में रोजाना कई चलान काटे जा रहे हैं। पंजाब में अनलॉक 1 जारी है। पंजाब सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से दुकानदारों को छूट दी गई है और छूट के दौरान पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बाजार में आने जाने वाले जो बिना मास्क के फिर रहे हैं या फिर कोई थूकता है तो पुलिस की तरफ से उनका चलान किया जा रहा है और लोगों को पुलिस की तरफ से जागरूक भी किया जा रहा है कि बिना मास्क पहने घर से बाहर ना निकले। पंजाब सरकार की हिदायतों मुताबिक मानयोग DC साहब, मानयोग SSP साहब जो हुक्म दे रहे हैं, किसी भी कर्मचारी ने मास्क नहीं पहने उसका चलान किया जाए। अहम चलान काट देते हैं और सरकार ने 500 रुपये का चलान है, बहुत ज़्यादा है। ये कई गरीब आदमी होते हैं जो 500 नहीं दे सकते। कोई सोचते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, इतने हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। हम यही हिदायत करते हैं, आप दोबारा ये गलती नहीं करनी। आप तो एक बार हिदायत करती, दोबारा हो तो मुड़ के जुर्माना देना पड़ेगा। वो इस तरह होता है, उन्होंने मास्क नहीं पहना होता। सुबह में मास्क को डालो, उठूँ अपना मास्क पहन लो और दो मास्क तो गरीब के लिए, जिस बंदे को पैसे नहीं है उनको मास्क बना देते हैं। बटाला से जतेंद्र कुंदल की रिपोर्ट। भाजपा नेता की तरफ से गुरदासपुर में एक प्रेस वार्ता की गई। केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर केंद्र सरकार की प्राप्तियों को लोगों के सामने रखते हुए भाजपा के पंजाब जनरल सेक्रेटरी महामंत्री जीवन गुप्ता ने गुरदासपुर में प्रेस वार्ता की और कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और लॉकडाउन के चलते हर एक वर्ग का ध्यान रखा है। वहीं जब उनसे पूछा गया कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान और अकाल तख्त के जथेदार ने खालिस्तान पर सहमति जताई है और कहा कि अगर सरकार खालिस्तान देती है तो लेने को तैयार हैं। इस पर जवाब देते हुए जीवन गुप्ता ने कहा कि अगर कोई छोटे मोटे लोग ऐसी बात करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पंजाब में लोग खालिस्तान को पहले ही नकार चुके हैं। बातों बातों में उन्होंने अकाल तख्त के जथेदार की तुलना छोटे मोटे लोगों से कर दी है। जदों GDP की ग्रोथ बढ़ रही थी, जदों कह रहे थे इसका कोई मतलब नहीं है, जदों हुण GDP ग्रोथ थोड़ा टाइम वास्ते नीचे आई तो हुण उन्होंने कहना शुरू करता, जदों उपर जा रही थी जदों की कह रहे थे, जरा ये विचार दे, मैनूं जवाब दे कांग्रेस। सो मैं एक समझदा गल नूं कि कांग्रेस केवल वो चीज़ां तलाशदी है जिन्हां का कोई मतलब नहीं हुंदा। हुण लॉकडाउन दे विच भी राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, कोई है उस गल का मतलब जिहड़ियां गल्लां अखबार च कह रहे हैं? तुहाडे माध्यम नाल जो गल्लां देखण नूं मिलदियां हैं कि जी लॉकडाउन फेल हो गया, वट इज दिस लॉकडाउन फेल हो गया। असी पहले दिन पंजाब की मैं गल करदा जदों पंजाब की सरकार ने, असी मुख्यमंत्री कहते कांग्रेस की सरकार है, साडा विरोधी धिर है, और उन्होंने एक असी पहले दिन तो साढ़े जिहड़े प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान अश्विनी शर्मा जी ने उन्होंने एक गल कही कि करोना च कोई राजनीति नहीं, असी थोड़ा सहयोग करने तैयार हैं, साढ़े तो वलंटियर लाओ, साडा सहयोग जिते चाहिए वह लाओ। पर उन्होंने इस दौरान भी ओछी राजनीति की, 15 दिन 20 दिन तो इस करके राशन नहीं मिले कि फोटो अपन लाइनिया सी डिजास्टर फंड के पैसे दे अन्न खरीदया तो उसे फोटो बड़िया गल्ला कहनू है जी। श्रद्धालुओं का की हाल किया उन्होंने, जिहड़े श्रद्धालु आए पहले दिन बिना चैकिंग करे घरों भेजते, जिम्मेवारी किहदी सी? पंजाब सरकार की है, हैल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, PPE किटा है नहीं, बड़ा कुछ कहनू है। पर असी कहने हैं कि इस युद्ध के अंदर, इस महामारी के अंदर सरकारां जिहड़ा जिस तरह साडा प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, मैडिकल स्टाफ है, जिस ढंग नाल ओह काम कर रहा, असी उन्हें नींदना नहीं चाहते, असी उन्हां नू ऊर्जावान बना के लोगों की सेवा विच लगाना चाहते हैं। गुरदासपुर से जतेंद्र कुंदल की रिपोर्ट। कार सवार लुटेरों की तरफ से पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया। थाना कच्चा पक्का अधीन आते गांव दयालपुर के पास नकाबपोश कार सवार लुटेरों ने गुरु रामदास पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर पेट्रोल पंप पर काम करते कर्मचारियों से 21,000 रुपए छीनकर फरार हो गए। घटना संबंधी जानकारी देते हुए पेट्रोल पंप के मालिक मंगल राम सुंदी निवासी भिकीविंद ने बताया कि लूट की घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो चुकी है और SHO अमृतपाल को जानकारी दी गई है। इस संबंधी थाना मुखी अमृतपाल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि CCTV कैमरे में लुटेरों की फुटेज खंगाली जा रही है और जल्दी उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं इस पंप पर जॉब करते हैं HP दे जी,
तो असी कल कैश जमा करवाउण गए अंदर, तो दयालपुर वालों गड्डी आई है जी, वाइट गड्डी शिफ्ट रंग की VDI, तो उन्हें साढ़े सीधी ऑफिस गई डाकती जी। तो ये वीर बाहर उन्होंने पूछना भी हाँ जी दसो, उन्हें वैपन कढ़िया तो बखी से ला दा जी, ये बखी से लाया तो इतों 6,000 रुपया लिखे पासे हो गया जी, मुड़ के उन्हें अंदर वड़ के मेरे ला दा जी बखी से, मैंने उन्हें भी जो कुछ भी है कढ़ दे जी, मेरे को 15,000 रुपए जी मैं कढ़ के मेज पर रखता जी। तो मुड़ के साढ़े मैनेजर साहब नूं आखन लग पे भी तेरे को की आ जी, उन्होंने दबका रहा उन चेर गुरप्रीत भज गया जी, भी पिछले चले गया जी, वो बंदे बंद सदन तो उन चेर जी गड्डी मोड़ी तो दयालपुर लैके चले गया जी। तो किन्ने हज़ार की लुट हो गई? ये जी कोई हैगा जी 21,000 रुपए की लुट हो गई है जी। तो तुम की मांग करते? असी मांग करते हैं जी भी असं इतने महत्तर बंद अभी जॉब करते हैं जी, इतने सानू जो ये बंदे तंग करते हैं जी, तो असी ये करके जी इतों जॉब कर उड़ जाएंगे जी, इतों बाद असं की कर सकते हैं दसो सानू। असी इंसाफ ही मांगते हैं। मैं 5 मिनट तो पहला थाना कच्चा पक्का इतलाह देती कि इदा मेरी लुट की वारदात हो गई है, जे जिला सील कर दिता हों तो शायद अनपछाते जड़े आ जो मैनेजर आ पेट्रोल पंप का, उन्हें सू बयान दिता जी कल, उत्ते अं मुकदमा दर्ज कर दिता जी 379B का, तो हम इनवैसटीगेशन कर रहे हैं जी। तो सर कई परचा का दर्ज किया गया? 379B तो असला एक्ट का परचा दर्ज किया। तो सर की कार्रवाई होगी? अगर कार्रवाई अं कैमरिया की घोख कर रहे हैं जी, तो शकी बंद पुछ पड़ताल कर रहे हैं जी, इन जल्दी अं ट्रेस करके अदालत में देवे। तरनतारण से बलजीत सिंह की रिपोर्ट। बठिंडा के सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में घल्लूघारा दिवस मनाया गया। गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए और कीर्तन दरबार भी हुआ। इसके बाद सिख जथेबंदियों की तरफ से अपने विचार भी रखे गए। इस मौके पर मिंदर सिंह श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के जिला प्रधान ने कहा कि जानबूझकर कैप्टन सरकार ने धार्मिक स्थान खोलने की तारीख आ रखी है, जिससे घल्लूघारा सप्ताह न मनाया जा सके। दास परमिंदर सिंह बालियाली, जिला प्रधान श्रोमणी अकाली दल अमृतसर। अज असी जो घल्लूघारा शहीदी समागम मनाए है, जो जून 1984 दे विच भारत की सरकार वल्लों श्री दरबार साहब दे उत्ते अटैक किया गया सी, जिस दे विच साढ़े हज़ारां दी गिणती दे विच श्रद्धालु बीबियां बच्चे इत्थों तिकर के 18 दिन का बच्चा भी भारत दीआं फौजां ने जिहड़ा है उहनूं नहीं बख्शिया, उहनां नूं जिहड़ा है लत्तां तों पाड़ के चीर के उहनां नूं कंधां नाल मार मार के भारत की फौज वालों साढ़े सिखां नूं शहीद किया गया। अज असी उन्हां दा शहीदी दिहाड़ा इत्थे सिंह सभा गुरद्वारा बठिंडा विखे मना रहे हैं, पर अज सानूं पंजाब दी सरकार अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बादल दे अधीन है, जिन्हां ने दरबार साहब ते हमले विच भी कांग्रेस का उस समय साथ दिता सी, उन्हां ने तख्त साहब ते अज जिहड़ा है सानूं नहीं मनाउण दिता, उत्थे नहीं जाण दिता, पर साडे सिंघ उत्थे भी कुछ गिणती दे विच पहुँच गए हैं, उत्थे भी मना रहे हैं। अज असी इत्थे मनाया है कि अज असी जो संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा भिंडराला ने कहा सी कि जिस दिन दरबार साहब ते हिंदुस्तान की फौज हमला करेगी उस दिन खालिस्तान की नींह रखी जाऊगी। अज खालिस्तान का 36वां जिहड़ा है खालिस्तान डे वो भी असी मनाया, क्योंकि अज दे दिन जिहड़ा है संतां ने कहा सी कि उस दिन खालिस्तान की नींह रखी जाऊगी, वो जिहड़ी जून 1984 दे विच है खालिस्तान की नींह रखी गई। बठिंडा से अवतार सिंह कैद की रिपोर्ट। बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जानकारी देते हुए किसान नेता ने कहा कि नेशनल फेडरेशन किसान के 6 भाई आज के दिन गुजरात में किसान संघर्ष दौरान शहीद हुए थे, जिसका डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर उन्हें श्रद्धांजलि भेंट की गई है। साथ ही उनकी तरफ से डिप्टी कमिश्नर को मांग पत्र सौंपा गया है। इथों दी सरकारां किसानी किते नूं बर्बाद कर रही, भावे मोदी सरकार ने अपने कार्य दौरान मनिया सी कि मैं लागत खर्च अनुसार डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करूँ, पर अर्ज उल्ट कारपोरेट घराणे के पक्ष से खड़ के किसानी नूं मार दियां नीतियां ते तुलिया होया। सो इसे कड़ी तहत अज असी अपने DC राही नरेंद्र अपने DC राही मोदी जी नूं एक किसानी मंगा संबंधी मंग पत्र देना, वह भी तैयार आ उस समय ले सू मंग पत्र देवांगे। जेकर सरकार ने फिर भी साड़ियां इस किसानी मंगां ते ना गौर करी तो असी समुचे भारत के राष्ट्रीय किसान महासंघ के सद्दे ते
ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੀ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਦ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਾਂਸੰਘ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ। ਬਠਿੰਡਾ ਸੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਦ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं शिवांगी विदा लेती हूं। कल फिर हाजिर होंगी कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहे आत्मा चैनल के साथ। जाते जाते सभी को जय जिनेंद्र।